आप लोग समझ गए होंगे, आज एक बार फिर से चाय पे चर्चा। ये हमारी जो सीरीज़ है इस टाइम सबसे ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं, और जिस तरह के हमारे सीधे सवाल होते हैं, कोशिश करते हैं हम जो जनता जानना चाहती है हम राजनेताओं से उनके रिप्रेजेंटेटिव बनके उनसे बात करते हैं और सीधी बात करते हैं। और कई सवाल जो होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब कुछ राजनेता नहीं भी दे पाते और कुछ दे भी पाते हैं। चलिए आज जो चाय पे चर्चा पे हमारे साथ हमारे आज जो गेस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको तारुफ करवा दूं। हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं चाय पे चर्चा पे वो हैं विक्रम रंधावा जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और MLC हैं इस टाइम भारतीय जनता पार्टी में। अब आज विक्रम जी हैं हमारे साथ और मैं आपको कुछ दो चार बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं जम्मू संभाग से, मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को खुल के मिला। हालांकि आज से 3 साल पहले जब वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उतरे थे तो उनका तो एक ही नारा था 44+ का, यानी कि 44+ का नारा था, और उस टाइम भी एक राग अलापा गया था अगर 44+ MLAs यहाँ पर जो सरकार बनती हैं, अगर 44+ इनको जो है रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं, लोग देते हैं खुल के मैंडेट, तो हिंदू CM भी बन सकता है। लेकिन आज जब 3 साल हो चुके हैं और 3 साल के बाद सरकार के अंदर कुछ दरार भी आ गई भारतीय जनता पार्टी और PDP के बीच में, उसके बाद अब इस टाइम मार्केट में क्या चर्चा है? आप कह सकते हैं जिस तरह से मैं 2-3 दिन से पहले से बात कर रहा हूँ कि एक मार्केट में नया शगुफा छोड़ा गया है, वो अब फिर से कहा जा रहा है कि हिंदू चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी आने वाली सरकार अगर बनती है अमरनाथ यात्रा के बाद तो शायद दे सकती है। चलिए कुछ सारी बातें करेंगे आज हम चाय पे चर्चा पे। विक्रम जी आपका फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगा। विक्रम जी अब एक और नया शगुफा हम सुन रहे हैं मार्केट में, हिंदू CM। क्या ये इसे हम सिर्फ इसलिए समझें कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी एक इमेज 3 साल में जो बनी है, लोगों से एक विश्वास उतरता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, क्या उस चीज़ को वापस लाने के लिए अब ये एक नया शगुफा छोड़ा गया है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद इन डेमोक्रेटिक सेटअप बहुत मजबूत है, विद इन पार्टी सेकुलरिज्म बहुत मजबूत है, और पार्टी चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री इसको जात पात पर नहीं देखती है। यहाँ बात हिंदू चीफ मिनिस्टर या मुस्लिम चीफ मिनिस्टर की नहीं है। हम कहीं ना कहीं अगर ये बात रख के चलें कि हमने जम्मू की नुमाइंदगी की है और जम्मू ने जिस तरीके से वर्डिक्ट हमें दिया है, हम जम्मू खित्ते से चीफ मिनिस्टर की बात कर सकते हैं, लेकिन पार्टी लीडरशिप की तरफ से मुझे नहीं लगता है कहीं पर ऐसा सार्वजनिक तौर पर या कहीं चर्चा में भी आया होगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू चीफ मिनिस्टर देने की फिराक में है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 3 वर्षों से कोलिशन सरकार के अंदर थी, और हमने जो एक कोलिशन धर्म का होता है वो पूरा उसका पालन किया, जो वर्डिक्ट हमें मिला था उसका हमने पूरा पालन किया, उस वर्डिक्ट के मुताबिक हमने जम्मू के लोगों को हर वो हक दिलवाने का प्रयास किया जिसके वो हकदार थे, जिससे वो अब तक वंचित रहे, और हमें लगता था कि जो हमसे लोगों को उम्मीदें हैं हमें उन पर खरा उतरना है। आप कह रहे हैं कि आपने कोशिश की 3 साल में हर हक दिलवाने की, लेकिन खुद अमित शाह जी ये बोलते हैं जम्मू में आके जब सरकार गिर गई यहाँ पर, और उसके बाद उन्होंने खुद बोला कि चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे जो 3 साल की सरकार में, उन्होंने जम्मू और लद्दाख की डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होने दी, तो उस टाइम 25 MLA थे सरकार के अंदर, उस टाइम क्यों नहीं बोले कि जब जम्मू और लद्दाख के साथ इतना भेदभाव हो रहा था? देखिए जब आप एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हो उसमें बहुत कुछ सोच समझ के भी कदम उठाने पड़ते हैं। हमने सरकार बनाई थी सरकार चलाने के लिए, हमने कभी भी नहीं चाहा कि सरकार इमीडिएटली किन्हीं इश्यूज़ के ऊपर गिरे, लेकिन कुछ बातों पे मैंने भी महसूस किया क्योंकि मैं भी 1 साल 1.25 साल से काउंसिल में हूँ कि मैडम ने डोमिनेट करने की कोशिश की, और मेजर डिपार्टमेंट्स उनके पास होते थे, फिर जो डिपार्टमेंट हमारे पास होते थे उसमें कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ब्लैक शिप्स होती थी, जो मैडम के डायरेक्शंस भी होती थी, वो काम को स्लो प्रोसेस के स्लो मोड में डाल देते थे, जिसकी वजह से मुझे लगता कहीं ना कहीं हमारे मिनिस्टरों को भी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ती होगी। हालांकि हमारे हर मिनिस्टर ने अपने डिपार्टमेंट के साथ पूरा इंसाफ किया, और जो भी विभाग क्षमा चाहूँगा जो भी विभाग हमारे पास थे हमने कोशिश की है हर विभाग के साथ इंसाफ करने का। अलबत्त अब ये इस सरकार का हमारे कोलिशन पार्टनर का जिस तरीके का एटीट्यूड था,
वो जिस तरीके से केंद्र ने महसूस किया उसके मुताबिक वो उन्होंने कदम उठाया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। कहाँ कहाँ डोमिनेट करने की कोशिश की मैडम ने, आप क्या खुल के बता सकते हैं? क्योंकि एक एम्स की जमीन जो है वो भी निर्धारित की गई थी, यहाँ पर एम्स बनेगा, गवर्नर रूल लागू होता है तो एम्स का काम भी शुरू हो जाता है, एम्स का काम भी शुरू नहीं करवा पाए, क्या यहाँ पर भी डोमिनेशन हो रही थी? बाकी बातें भी और भी बात करेंगे, क्या जो एक जम्मू के साथ जो भेदभाव हो रहा था तो क्या एम्स के साथ भी इस तरह का भेदभाव होता रहा है जब सरकार थी? देखिए, मैं एम्स के मामले में स्पष्ट कर देना चाहूँ, एम्स सबसे पहले जब घोषित हुआ था केंद्र सरकार द्वारा, आदरणीय मोदी जी की पहली बजट में जब एम्स घोषित हुआ था वो जम्मू के लिए हुआ था, लेकिन उसके बाद हमारी जब सरकार बनी ना जाने किन परिस्थितियों में ये बात निकली कि वो एम्स जो है कश्मीर में चला गया है, हालांकि मुझे लगता है ऐसा प्रैक्टिकली था नहीं। फिर एक आवाज़ जम्मू से बुलंद हुई और केंद्र सरकार ने उस आवाज़ को भी समझा और जम्मू की भी नब्ज को समझा और एक एम्स कश्मीर में दिया, एक जम्मू में दिया। अब डेफिनेटली जब एम्स जम्मू में दिया, हेल्थ विभाग हमारे पास था तो एक्ट पार दोनों जगह जो है वो लैंड जो डिफाइन करने का प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन उसमें जम्मू में जो लैंड जल्दी डिफाइन हो गई थी, पर उसमें सबसे बड़ा एक इशू था कि वहाँ आपको समुदाय विशेष के लोग जो जबरन आके बैठे हुए थे उनको निकालने का एक इशू था। वो लोग इस आड़ में कि सरकार में जो डोमिनेंस है जिस पार्टी की वो हमें शेल्टर करेगी और हम कहीं ना कहीं अब इसका या मुआवजा मांगेंगे या इसको खाली नहीं करेंगे, मुझे लगता है वो एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था मैडम का एक समुदाय विशेष के प्रति, जहाँ कहीं ना कहीं अड़चन आती थी और जिसकी वजह से वो डिले हुआ। अब अलबत्त गवर्नर रूल आ गया है और गवर्नर रूल में केंद्र की तरफ से बड़े सख्त हिदायत हैं कि जो केंद्र स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो इमीडिएटली स्टार्ट की जानी चाहिए, और मुझे लगता है ये हम जम्मू वालों के लिए बड़ा सौभाग्य है कि एम्स का इमीडिएटली जो है वो काम शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में एम्स जम्मू कश्मीर में पहले जम्मू को मिलेगा, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। विक्रम जी, आपने काफ़ी बार प्रदर्शन भी किया रोहिंग्यास को यहाँ से बाहर निकालने का, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही है कि रोहिंग्यास को यहाँ से बाहर निकालना चाहिए, सेंटर में भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार थी, फिर भी रोहिंग्यास को डिपोर्ट नहीं अभी तक करवा पाए, अपने आधार कार्ड्स वहाँ यहाँ पे बना चुके हैं, ये भी पता चल रहा है कि खबरें ये भी हैं कई रोहिंग्यास ने ज़मीन भी खरीद लिया, ये भी खबर है कि रोहिंग्यास ने कुछ रोहिंग्यास ऐसे हैं जो यहाँ पर रिटर्न भी फाइल करना शुरू हो गए हैं, तो इतना सब कुछ हो जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये बार बार कहती है कि कांग्रेस ने बसाए कांग्रेस ने बसाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाहर क्यों नहीं निकाल पा रही? देखिए, रोहिंग्यास का मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, ये देन है कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इनको जम्मू को गुमराह करके कांग्रेस के कुछ लोगों ने अपनी व्यक्तिगत स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए यहाँ बसाया था। मैं शुरू से इस आवाज़ को बुलंद करता आया हूँ, लेकिन केंद्र की सरकार इस विषय को लेकर बहुत गंभीर शुरू से रही है, और ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बांग्लादेशी या इलीगल रोहिंगीस, पूरे देश के अंदर जो इलीगल तरीके से बसने वाला गैर हिंदुस्तानी नागरिक है उस पर कार्रवाई के लिए उन्होंने कोई ना कोई प्रयास किया है, और केंद्र की डायरेक्शंस के मुताबिक जम्मू में बसने वाले हर रोहिंगी बांग्लादेशी की जांच पड़ताल चल रही है। ये केंद्र की डायरेक्शन आई थी और केंद्र की डायरेक्शन के बाद हमारी जम्मू कश्मीर की कुलीशन सरकार ने भी 6 मंत्रियों का एक ग्रुप बनाया था, हेडेड बाय उस वक्त के हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह जी। उसमें 3 मंत्री हमारी पार्टी से थे, 3 मंत्री PDP की तरफ से थे, और मुझे यहाँ तक जानकारी है इन 6 मंत्रियों की एक मीटिंग भी हुई, उसमें पूरा डिटेल्स खंगाला गया कि ये कब आए, किस आधार पर आए, और इनके जो भी डॉक्यूमेंट अब तक बने हैं वो किस बेस पे बने हैं। मैं एक बात आपको यकीन बताऊं शीश जी, कि जितना भी बांग्लादेशी रोहिंगी इस वक्त जम्मू में बैठा है उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो दिसंबर 2014 से पहले का है। मेरे पास आज भी प्रूफ है उन आधार कार्ड्स के, किस DC के टेन्योर के दौरान वो आधार कार्ड इशू हुए, किस पिछली हमारी जो NC कांग्रेस की कुलिशन सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर था उसके डायरेक्शंस में वो इशू हुए। हालांकि अब जो है पिछले 3-4 वर्षों से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उनका जो एंट्री है वो स्लो हुई है, वो एक दीमक की तरह फैल चुके हैं। मैं शुरू से कहता आया हूँ कि बांग्लादेशियों को और बर्मीज को बाहर निकालने का एक सबसे आसान तरीका है कि जिनके प्लॉटों पे वो लोग बैठे हैं पहले उनके गिरबान पे हाथ डालिए। वो किसी भी समुदाय से व्यक्ति होगा जिसके प्लॉट में उन्होंने झुग्गियाँ डाली हैं, जो उनको शेल्टर दे रहा है, जो इलीगल उनको पावर और बिजली का कनेक्शन दे रहा है, पहले उनके गिरबान पे हाथ डालिए। जैसे ही आप उनको पकड़ोगे एक दो चीज़ें इससे क्लियर हो जाएंगी। एक तो वो व्यक्ति भी गिरफ्त में आएगा क्योंकि वो जमीन
यकीनन या सरकारी होगी या कब्जा होगी, और ये बांग्लादेशी जो वहाँ बैठे हैं इनको बाहर निकालने का आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार की जो पॉलिसी है वो बड़ी गंभीर है, स्लो हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इस पर एक्शन होगा और इन लोगों को जम्मू से बाहर डिपोर्ट किया जाएगा। जो विक्रम जी जो कश्मीर में पत्थरबाजी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको पत्थरबाज समझती है या फिर भटके हुए युवक? देखिए, मेरे हिसाब से तो पत्थरबाज हैं, भटके हुए हैं ये तो मान सकते हैं, लेकिन गलत हाथों में खेल रहे हैं। हैं तो हमारे जम्मू कश्मीर के नागरिक ही हैं, और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि जिस आज़ादी की गुमराह हुई लाइन पे वो चल रहे हैं, वो उनको भी शायद इलम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, उनको भी नहीं है। आज जब हरकतें उनकी सामने आ रही हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, तो एहसास हो रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है दिन ब दिन। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको पत्थरबाज समझती है तो 3 साल के टेन्योर पे इन पत्थरबाजों से केसेस वापस क्यों लिए? क्योंकि बार बार इस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस पे वो अटैक करते हैं। आपने देखा होगा नोहाटा में किस तरह से दरिंदगी के साथ सीआरपी की गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया, उसके अंदर सीआरपी के हमारे जवान थे, वो पता नहीं किस किस स्टेट से यहाँ पर आके सर्व कर रहे हैं लोगों को, और उनके ऊपर इतना अटैक होता है और इन्हीं पत्थरबाजों से केसेस वापस लिए जाते हैं और वो फिर से अटैक करते हैं, तो क्या ये डिसीजन गलत नहीं था आपको लगता है कि पीडीपी बीजेपी सरकार का? मुझे लगता है कि वहाँ मैडम अपना डोमिनेंस दिखाती थी, और हमारे पार्ट में जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे उन लोगों ने कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट शो करने की कोशिश भी की, लेकिन क्योंकि मैडम का एक सेक्टर है कश्मीर, मैडम वहाँ से चुन के आई थी और कश्मीर खिते में ही उनके पास है जो है, तो उनको कहीं ना कहीं लगता था कि मैं कश्मीरी अवाम के प्रति एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर, एक जेस्चर चला के देखती हूँ अगर ये लोग संभलने का प्रयास करते हैं। उसमें आपको स्पष्ट करूँ कि सरकार का जो ऑर्डर निकला था कि पत्थरबाजों के खिलाफ केसेस विड्रा करने हैं, उसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो फर्स्ट टाइमर्स थे, जो गलती से उस ट्रैक पर चल पड़े थे कि एक बार इनको भूल को माफ़ करके देख लीजिए, और भूल माफ़ करने के बावजूद भी उन पर पैनी नज़र थी कि अगला कदम वो क्या उठाते हैं, और मुझे लगता है कि इतने छोड़े नहीं गए जितने बार बार दोबारा पकड़े गए। क्यों? क्योंकि वो सुधरे नहीं, और उसके बाद सरकार सख्त हुई, और उसके बाद तो आपने देखा ही है, अलबत्ता हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा अलर्ट रही हैं, उन्होंने जब जब कार्रवाई हुई वो आपने देखा ही है, जीप के आगे बांध के भी उनको उनकी औकात दिखाई है। अमरनाथ जो भूमि विवाद हुआ था उनके ऊपर जो केसेस हैं जिन बच्चों के ऊपर जम्मू के, आज तक उनके केसेस वापस नहीं लिए गए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर कोई बात नहीं की? क्योंकि अगर पत्थरबाजों के ऊपर से केसेस हट सकते हैं जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, और जो अमरनाथ भूमि विवाद के लिए एक जेन्युइन कॉज के लिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ थी, उनके केसेस आज तक वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं? देखिए, काफ़ी हद तक केसेज विड्रा हुए, मेरे पे भी 3 केसेज थे, काफ़ी हद तक केसेज विड्रा हुए, और भारतीय जनता पार्टी ने कोर ग्रुप की हर मीटिंग में इस विषय को उठाया है, और गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा है। मुझे लगता है काफ़ी केसेस विड्रा हो चुके हैं, कोई बड़ा संजीदा केस होगा तो उस पर कार्रवाई हो रही होगी। अलबत्ता किसी भी अमरनाथ एजिटेशन के दौरान मूवमेंट में आए हुए किसी भी जम्मू के नागरिक के ऊपर सख्ती से कार्रवाई नहीं हुई है, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। आपने हर मेरे सवाल पर यह कहा कि मैडम का जो है दबाव था, तो अगर इतना दबाव था तो 3 साल तक क्या भारतीय जनता पार्टी दबती ही रही? नहीं, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ कि दबाव था, मैं कह रहा हूँ मैडम ने डोमिनेट करने की कोशिश की, हर पहलू पे कोशिश की। हालांकि जो पहला टेन्योर मुफ्ती साहब का था वो बहुत अच्छे से निकला, उसके बाद मुफ्ती साहब की डेथ हो गई, फिर 1-1.5-2 महीने का वक्फा रहा बीच में, उसके बाद मैडम जब गवर्नमेंट में आई तो मैडम ने पहले 5-6 महीने ठीक से निकाले, लेकिन मैडम की जो सराउंडिंग थी, जो किचन लॉबी थी, वो मैडम को हमेशा मुझे लगता है मिसलीड करती थी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स थे चाहे वो मैडम के कैबिनेट कोलीग्स थे, उन्होंने हमेशा मैडम को मिसलीड किया, और आज मैडम ने उसका खमियाजा भुगता है। मैडम सरकार से बाहर इसलिए है क्योंकि मैडम की जो सराउंडिंग किचन लॉबी थी उसने मैडम को नेगेटिव इम्पैक्ट दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना पीडीपी के साथ एक गलती थी? मैं नहीं मानता हूँ गलती थी, उसका कारण है। देखिए, जब हम चुनाव गलती का भुगतान तो करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, जम्मू में तो वो फेस तो खराब हो गया भारतीय जनता पार्टी का, जो एक पहले फेस था जिस तरह से 25 आप सीटें लेके आए, आपको लगता है कि अब आप फिर से मार्केट में जाएंगे, वोट लेने जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो क्या लोग उस तरह से आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए, मैं यकीनन कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी अगला विधानसभा चुनाव जब भी होगा, भारतीय जनता पार्टी की मर्जी के बिना जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनेगी। हम 25 से अपनी सीटें ज़्यादा लेंगे, मैं आपको यकीन से कुछ विषयों आऊँगा। इन 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे विधायक रहे हैं वो जनता के साथ जुड़े रहे हैं,
उन्होंने जनता का पहलू नहीं छोड़ा, और जो हमारे से उम्मीदें थी लोगों को उस पर हम खड़े उतरने का हमने प्रयास भी किया। सरकार क्यों बनाई ये किसी से छुपा नहीं है, जो वर्डिक्ट था उसको ऑनर करना ज़रूरी था। अगर हम 25 सीटें लेकर सरकार नहीं बनाते ये यकीनन था कि सरकार कोई नहीं बननी थी, वर्डिक्ट किसी के पास नहीं था, या पीडीपी बीजेपी का ही सर था। और अगर सरकार नहीं बनती तो इमीजिएटली चुनाव आता स्टेट एक्सचेकर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सचेकर को बहुत भारी नुकसान पड़ता, और लोगों का एक विश्वास उड़ जाना था डेमोक्रेसी से कि शायद कश्मीर में लोगों को लगता था कि पीडीपी सरकार नहीं बना सकती है, जम्मू में लोगों को लगना था बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है। हमने उस वर्डिक्ट का ऑनर किया और सरकार बनाई, और उस सरकार के हमारे जम्मू खित्ते के लोग, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में और यकीन हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छी सरकार चला सकते हैं। और हम पिछली बार जो 44 प्लस के स्लोगन के साथ गए थे, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी वो स्लोगन रिपीट होगा, और अगली सरकार जब भी यहाँ विधानसभा का चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी की मर्जी के बिना सरकार नहीं बनेगी। 370 आर्टिकल 35A रोहिंग्या, तीनों की आपने बात की थी 3 साल पहले, आज वो चीज़ वैसी की वैसी ही है। और अब आज आप फिर कह रहे हैं कि अगर आप जाएंगे लोगों के बीच में तो आप 25 से ज़्यादा सीटें लेके आएंगे। आपको किस तरह से लगता है कि आपके ये तीनों के तीनों जो आपके मेन कोर इश्यूज थे उनको आपने टच तक नहीं किया, क्योंकि मैडम का ये कहना था कि अगर 35A के साथ छेड़छाड़ होगी तो यहाँ पर तिरंगा लेके चलने वाला कोई नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी तब भी चुप रही, इन तीन कोर इश्यूज़ को तो आप टच नहीं कर पाए, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप 25 से ज़्यादा सीटें लेके आएंगे। देखिए, हमने हर पहलू को सुनने का प्रयास किया। अब जब विचारधारा के विपरीत सरकार बनानी हो तो फिर कहीं ना कहीं अपने कोर इशू के साथ, अब पीडीपी का भी एक कोर इशू था, वो सेल्फ रूल को लेके शुरू से लड़ाई लड़ते आए हैं, और कश्मीरियों को उन्होंने जब से पीडीपी एग्जिस्टेंस से आई है उन्होंने कश्मीरियों को हमेशा सेल्फ रूल के नाम पे बेवकूफ़ बनाया और वोट दिए, उन्होंने भी अपने सेल्फ रूल को ठंडे बस्ते में डाला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो 370 के साथ इमोशनली जुड़ा हुआ था, और हम शुरू से ही एक विधान, एक प्रधान और एक निशान की लड़ाई लड़ते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 370 को ठंडे बस्ते में नहीं डाला। मैटर सब्जुडाइज है, विचारधारा में चल रहा है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्शन आ जाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करने से कौन रोक पाएगा। और मैडम की ये गलतफहमी में है कि 370 हटाने से, 35A जाने से या तिरंगा लहराने वाले कश्मीर में कोई नहीं होंगे। इनके हटने के बाद कश्मीर में तिरंगा ही तिरंगा दिखेगा, बाकी और कुछ नहीं दिखेगा। और ये मुझे लगता है कि सरकार से बाहर जाने के बाद कहीं ना कहीं मैडम को इस बात पे यकीन हो गया होगा कि अब तिरंगे की आड़ में आएंगे तो सर्वाइवल है, अन्यथा सर्वाइवल नहीं है। चाहे आपने कहा कि फाइट आप करते रहे एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के लिए, लेकिन वहीं जो गाड़ियों में घूमते रहे तो झंडे तो दो लेके जाते रहे, अब फाइट एक तरफ से करते रहे और दूसरी तरफ से दो झंडों के तले आप चलते रहे। देखिए, ये हमारे, मैं बोलूँगा, जम्मू वालों की बदकिस्मती है, क्योंकि अब सरकार में थे तो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग थी उसको मानना ज़रूरी भी था। अब उसको नहीं मानते, फिर हम सरकार ना बनाते, फिर सरकार ना बनाते, तो फिर ये चीज़ें नहीं होनी थी सारी। अब डेफिनेटली इस पे आने वाले दिनों में भी विचार होगा कि जब लड़ाई लड़ी जाएगी, खुल के लड़ी जाएगी, तो फिर ये झंडा भी हटेगा, फिर तिरंगा ही होगा और कोई नहीं होगा बस। विक्रम जी, आपने कहा कि आपके MLA लोगों के साथ जुड़े हुए थे, वहीं आपके ही MLA चनैनी से दीनानाथ भगत जी मेरे साथ ही बातचीत में कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो दलित विरोधी पार्टी है जम्मू की, और उन्होंने ये भी कहा कि उस टाइम के जो स्टेट प्रधान थे सत शर्मा जी, जब उनका कार्यकाल था तो उन्होंने जानबूझ के जो है दो मंत्रियों को हटाया और खुद जो है मंत्रालय लिया। ये जो किस्सा है ये रसाना के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, जो मेरे बड़े वरिष्ठ हैं वो रिटायर्ड गजटेड अफसर से हुए हैं, वो आज विधायक भी हैं, उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा मैं इस पर तो नहीं कहूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी नहीं है, इसके बहुत से पुख्ता प्रमाण हैं। हमने 7 सीटों पे अगर चुनाव जीता है तो दलित लोग हमारे साथ थे, इसलिए हमने चुनाव जीता है। आज देश को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति कौन दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, कांग्रेस ने नहीं दिया है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं साबित करती हैं कि दलितों के साथ हमारा जो है उंगली नाखून का रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी कहीं जातिवाद के ऊपर विचार नहीं करती है, सबको साथ लेने में विश्वास रखती है। दो मंत्रियों को खुद भेजते हैं कठुआ में और उसके बाद उनसे जो है पाला ही छुड़वा लेते हैं। सत शर्मा जी खुद एज ए प्रेसिडेंट पार्टी वो भेजते हैं दो मंत्रियों को, बाद में ये कह उनसे जो है उनसे मंत्री पद छोड़ने के लिए कहते हैं। यहाँ पर भी महबूबा मैडम का दबाव आ गया? नहीं, वहाँ मुझे लगता है कि जब मंत्रियों को वहाँ भेजा गया था वो पार्टी का एक पॉजिटिव अप्रोच थी, क्योंकि वहाँ वातावरण कुछ रसाना में उस एरिया में संबंध जा रहा, नहीं डिसोर्न नहीं किया पार्टी ने, कहीं डिसोर्न नहीं किया पार्टी ने, माना कि हमने खुद भेजा था, और पार्टी ने जिस सोच के साथ भेजा था वो सोच मीडिया में नेगेटिव गई
कि ये प्रो रेपिस्ट के साथ, वो लोग रेपिस्ट लोग नहीं है, मैं आज भी कहता हूँ। उन लोगों के किसी केस में फंसाया गया है, गलत इन्वेस्टिगेशन हुई है, अभी थोड़े दिनों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समझ नहीं आती विक्रम जी, आप भी ये कहते हैं कि जो सीबीआई की डिमांड है जायज है, बिल्कुल जायज है। वो लोग जो सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं वो रेपिस्ट को शील्ड नहीं कर रहे, उनकी एक जेन्युइन डिमांड है, जो एक बंदे की डिमांड नहीं है, वहां पे लाखों के हिसाब से लोगों की डिमांड है। इसी तरह से आपके बाकी बीजेपी के एमएलएज हैं, वो भी मेरे साथ बातचीत में ये कहते हैं। लेकिन जब ये बात उठ रही थी तब आप लोग खुल के सामने क्यों नहीं आए, तब आप लोगों ने क्यों खुल के साथ नहीं दिया? आज भी चौधरी लाल सिंह रोजाना कैंडल मार्च कर रहे हैं, कल भी उनका कैंडल मार्च था, रोजाना ही उनका कैंडल मार्च है, क्यों खुल के सामने नहीं आए? क्यों कठुआ को अकेले ही आपने जो है लड़ने पे मजबूर कर दिया? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने कठुआ का साथ छोड़ दिया? क्या कठुआ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है? नहीं जी, कठुआ हमारे अंग संघ है, हम कठुआ के अंग संघ हैं। चौधरी लाल सिंह जी आज भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, इस बात को अभी नहीं भूलना चाहिए। अगर वो एक मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं तो उसमें ना तो वो कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, ना भारतीय जनता पार्टी उस मूवमेंट के खिलाफ है। शुरू से हमारी डिमांड रही है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अब सारी पार्टी एक ही पहलू को लेकर चल पड़े ऐसा भी नहीं होता है। पार्टी का लीडर है वो चल रहा है, अच्छा काम कर रहा है, समाज उनके साथ है, मैक्सिमम लोग जो उनके साथ चलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा वाले लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है, वो ठीक काम कर रहे हैं। उनको आने वाले दिनों में सुनिश्चित तौर पे कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स बढ़ेंगी और केस सीबीआई के पास जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं खुल के बाहर आके, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है, हर एक कार्यकर्ता को अपनी अपनी जिम्मेवारी दी गई है। मैं प्रदेश सचिव हूँ, प्रदेश सचिव होने के बाद मैं एमएलसी हूँ, उसके अलावा मुझे पार्टी ने कोई क्षेत्र दिया है। जम्मू वासी भी हैं? बिल्कुल है, जम्मू वासी तो हम पहले हैं, और एक क्षेत्र दिया है पार्टी ने मुझे। पार्टी जिस दिन मुझे डायरेक्शन देगी कि आपने उस कार्यक्रम में जाना, हम जाएंगे। मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, पार्टी के आदेश अनुसार चलता हूँ। तो क्या आज अगर कठुआ के लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन आज फिर भी कठुआ जब उसी मीटिंग के अंदर राजीव जसरोटिया जी वहाँ पे मौजूद थे और दो मंत्रियों से पद छीन लिया जाता है, राजीव जसरोटिया को पद दे दिया जाता है, क्या आपको ये नहीं लगता यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन की गई पार्टी की तरफ? राजीव जी वहाँ गए थे बतौर विधायक ऑफ क्षेत्र, हाँ, और वहाँ पार्टी की तरफ से और भी लोग थे, जो ये नहीं था कि उनसे मंत्रालय छीन लें और उनको मंत्रालय देना है। मैंने बताया ना, नेशनल मीडिया ने उसको ट्विस्ट दे दिया कि बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने, नेशनल मीडिया ने कहीं पर भी बाकी लोगों को कॉर्नर नहीं किया, उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया। और जब उन लोगों को टारगेट किया गया तो कहीं ना कहीं नेशनल इंपैक्ट पे जा रहा था कि लोगों के दिमाग में ये बात नहीं जाए कि बीजेपी के लोग जो है रेपिस्ट के साथ है, जबकि वो रेपिस्ट तो थे ही नहीं बेचारे लोग। अब ये चीज़ मीडिया ने बात ज़्यादा उजागर नहीं की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक तय हुआ कि इनसे अभी इस्तीफा ले लिया जाए, जब जरूरत पड़ेगी उनको दोबारा मंत्री बना दिया जाएगा। इसमें तो सवाल और विक्रम जी, क्या सरकार बनाने की सोच रही है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि पीडीपी का तो घर टूट गया है, भारतीय जनता पार्टी के दिल में कहीं ना कहीं वो अंकुर फूट रहे हैं कि फिर से सरकार बन सकती है। देखिए, मैं आशीष जी इस बात के लिए हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ कि आपको जो वर्डिक्ट मिला है उसको ऑनर करो। आपके जो विधायक चुन के आए हैं वो 6 वर्ष के लिए चुन के आए हैं, ना तो मिड टर्म के लिए चुन के आए हैं, और ना ही इसलिए चुन के आए हैं कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग करें, ना ही भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास रखती है। अब तक की जो जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी को अभी किसी ग्रुप ने अप्रोच नहीं किया है। अब कश्मीर के अंदर कहीं डेंट पड़ रहे हैं, पीडीपी अपना घर नहीं संभाल पाती है, या एनसी कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पाती, और कश्मीर में कोई थर्ड फ्रंट या थर्ड पार्टी तैयार होती है और वो भारतीय जनता पार्टी की टर्म्स एंड कंडीशंस पे आगे आते हैं, तो हमने जो लोगों का वर्डिक्ट है उसको ऑनर करने का हमारा पहला कर्तव्य रहेगा। और प्रो जम्मू कश्मीर सरकार जो है, प्रो इंडिया सरकार जो है, अगर वो बनने का सामने आता, मुझे लगता है उसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन विद इन पार्टी अभी मुझे लगता नहीं है कि कहीं ये इशू डिस्कशन में आया है। बतौर कार्यकर्ता होने के नाते मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें जो वर्डिक्ट है वो सरकार बनाने और चलाने के लिए है। सजाद लोन का सामने आना अपने एक मीटिंग के अंदर, जिस तरह से हमने देखा राम माधव जी भी बैठे हुए थे, तो किसी तरफ इशारा तो नहीं है? देखिए, सजाद लोन भाई हमारा प्री इलेक्शन 2014 का एसोसिएट मेंबर है। उनकी पीपल कॉन्फ्रेंस को हमने उनकी कुछ सीटों पे सपोर्ट किया था, और उनके साथ हमारे ताल्लुकात पिछले 3-3.5 वर्षों से और मजबूत हुए हैं। वो हमारी कोलिशन धर्म सरकार में हमारे कोटे से मंत्री थे सजाद जी। तो अगर वो कश्मीर के ग्रुप को लीड करते हैं, कश्मीर बेस्ड लीडर हैं वो, उनकी फैमिली की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कश्मीर के अंदर, अगर कुछ एमएलए उनके साथ चल के आते हैं सामने, तो मुझे लगता है कि हमें उसका वेलकम करना चाहिए।
मेरा ये सवाल ना पीडीपी के साथ जुड़ा हुआ है, हालांकि आपका मुझे पता है कि जवाब यही होने वाला है जो बाकी मंत्रियों का या फिर एमएलसीज या एमएलएज का होता है कि ये उनका अंदरूनी मामला है। मेरा सवाल ये है कि पीडीपी का घर टूट रहा है, खुल के एमएलएज जो कि फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एमएलसीज अब तो यासिर ऋषि जी भी बाहर आ गए, उन्होंने लेटर लिखी है, उनका ये कहना है कि फैमिली रूल था इस पार्टी के अंदर, जब से मैडम आई मुफ्ती जी के जाने के बाद वो विजन ख़त्म हो गया पार्टी से, अपने भाई को उन्होंने जो है कैबिनेट पद दे दिया, पेशे से एक सिनेमेटोग्राफर थे, उन्हें क्या मतलब पॉलिटिक्स का क्या पता, और इतने सीनियर लोग बैठे हुए थे आज वो उनको दरअंदाज किया गया, उनको जो है पार्टी ने वो स्पेस वो जगह नहीं दी। तो जहाँ पर अपनी पार्टी में मैडम का इस तरह से रवैया था, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरह का रवैया ना, वो तो बिल्कुल वाजिब था जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं। फिर से मेरा ये सवाल है, क्या गलती नहीं की थी भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ सरकार बना के? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने कहा ना, मैं जो वर्डिक था उसको ऑनर करना बहुत ज़रूरी था। अगर ये गलती थी फिर दोनों पार्ट पे गलती थी, पीडीपी के पार्ट पे भी गलती थी, वो कहाँ बीजेपी की विचारधारा के साथ, कहाँ हमारी सोच के साथ। लेकिन जहाँ तक आपने कहा है कि पीडीपी के घर में स्प्लिट है, तो डेफिनेटली ये उनका अंदरूनी मामला है एंड इट वाज एक्सपेक्टेड। ये आज ये सरकार अभी 3 साल में गिरी है, ये अगर 5 साल भी सरकार चलती उसके बाद भी पीडीपी के अंदर स्प्लिट तय था। पीडीपी के अंदर जो एक वॉल्केनो बनता जा रहा था वो हम पिछले 1-1.5 साल से महसूस कर रहे थे। उनके एमएलएज अपने आप को आइसोलेटेड फील करते थे। फैमिली डोमिनेंस तो है ही है, वो अब्दुल्ला खानदान की भी है, मुफ्ती खानदान की भी है, और आज लोगों ने महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी ही शायद देश में इकलौती ऐसी पार्टी है जहाँ परिवारवाद को ना बढ़ावा दिया जाता है, ना ही परिवार से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री निकलते हैं, वो जमीन स्तर का कार्यकर्ता ही है जो कहीं पहुँचता है। 5 साल सरकार चलती, जम्मू और लद्दाख तो फिर कहीं नजर ही नहीं आता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ बोलना ही नहीं था सरकार के बीच। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी चेंजेस आ रहे थे, बोल भी रहे थे और काम हुए भी हैं। आज जम्मू ने महसूस किया है, आज हम जिन इलाकों में भी जाते हैं जो विधायकों ने कमर कसी थी उन्होंने तो अपना काम किया है, काम हुए भी हैं। अलबत्ता जिस पेस पे होने चाहिए थे उस पेस पे नहीं हुए, उसका कारण था कि मैडम की डोमिनेंस थी। बस सरकार बन सकती है आने वाले दिनों में, बननी चाहिए, मेरा मानना है कि बननी चाहिए। इंटरेस्टेड है फिर से सरकार बनाने के? मैं व्यक्तिगत तौर पर इंटरेस्टेड हूँ कि सरकार बननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी? पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं, अगर मुझे लगता है कि अच्छे प्रपोजल सामने आते हैं, कश्मीर का थर्ड फ्रंट तैयार होता है, थर्ड पार्टी तैयार होती है और प्रो जम्मू कश्मीर के फेवर में ग्रुप खड़ा होता है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। उम्मीद है प्रपोजल आने की, आने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। चाय पे चर्चा पर आज हमारे साथ जो मुख्य अतिथि थे वो थे विक्रम रंधावा जी, जिनके साथ हमने बातचीत की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो ये 3 साल के लिए सरकार में आई थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, उसके बाद जो जम्मू में जिस तरह से क्यास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो फेस है वो कहीं ना कहीं उस तरह का नहीं रहा जो 3 साल पहले था, तो काफ़ी सारे मुद्दों के ऊपर हमने बातचीत की। आप इस इंटरव्यू को देख सकते हैं, ज़्यादा से शेयर करें। आशीष कोहली कैमरामैन अशोक चल्होत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए।